क्या आप जानते हैं कि इंडिया में 8 टाइप्स की नंबर प्लेट्स होती हैं? क्या मतलब है इन अलग अलग नंबर प्लेट्स का, कभी सोचा है आपने? चलिए हम आपको बताते हैं। रेड नंबर प्लेट, जिस पे नंबर्स की जगह नेशनल एम्बलम होते हैं, ऐसे नंबर प्लेट्स आपको इंडिया में केवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कार पर या फिर किसी भी स्टेट गवर्नर की गाड़ी पे देखने को मिलते हैं। ब्लू नंबर प्लेट की गाड़ी किसी एम्बेसी के पर्सनल की होती है या फिर फॉरेन कंसुलेट की। इसमें डिप्लोमेट्स और रिप्रेजेंटेटिव्स ट्रेवल करते हैं। इसकी नंबर प्लेट पे इनका कंट्री कोड लिखा होता है, जैसे कि न्यूजीलैंड का है 53, पोलैंड का है 56, सऊदी अरब का है 59 एंड सो ऑन। येलो नंबर प्लेट असाइंड होती है कमर्शियल व्हीकल्स को। ये उन गाड़ियों के पास होती है जिनको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि बस, टैक्सी, ट्रक। इसमें ड्राइवर्स के पास कमर्शियल लाइसेंस होना मैंडेटरी है। ये नंबर प्लेट्स आपने जरूर ओला या उबर की कैब्स में देखी होंगी। ब्लैक नंबर प्लेट, जिसपे येलो डिजिट्स पे लेटर होते हैं, ऐसी गाड़ियां रेंटल होती हैं, जिन्हें कमर्शियली रजिस्टर किया जाता है, लेकिन इनको नॉर्मल लाइसेंस के साथ चला सकते हैं। ये आपको रेंटल गाड़ियों में मिलेंगी या लग्जरी होटल्स में जो कार ऑफर करी जाती हैं उनमें मिलेंगी। ग्रीन नंबर प्लेट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को असाइंड होती हैं। प्राइवेट ईवी गाड़ियों पे व्हाइट लेटरिंग होती है और कमर्शियल गाड़ियों पे येलो। एरो वाली नंबर प्लेट्स मिलिट्री व्हीकल्स पर ऑफर करी जाती हैं। अब बात करते हैं व्हाइट नंबर प्लेट्स की, जो कि सबसे कॉमन है। ये पर्सनल कार्स पे लगाई जाती हैं। टेम्परेरी नंबर प्लेट्स की बात करें तो ये व्हाइट लेटरिंग के साथ अक्सर रेड प्लेट पे दी जाती है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आगे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।